सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। दोस्तों अभी जो आपने स्क्रीन पे वीडियो को देखा उसको मैंने मात्र 2 मिनट में ही अपने इस फोन से बनाया हूँ, और ऐसा ही वीडियो बनाकर लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे अपलोड करके हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो ऐसा AI वीडियो को बनाकर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको AI वीडियो कैसे बनाते हैं सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। तो दोस्तों आपको AI वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको AI फोटो की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको कहां से मिलेगी तो यहां पर देखिए आपको AI वाली फोटो को डाउनलोड करना है। तो यहां आपको गूगल को ओपन कर लेना है, आपको इधर साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, सेम उसी प्रोसेस को आप देखकर और AI एक वीडियो को जनरेट करना आप भी सीख जाओगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गूगल को आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फोन को, एंड गूगल को ओपन करने के बाद यहां से आपको लेक्सिका AI सर्च कर लेना है गूगल पर। तो देखिए यहां पर मैं लेक्सिका AI गूगल पर सर्च कर लेता हूं, एंड लेक्सिका AI गूगल पर सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में ही आ जाएगा lexica.art। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेगा, एंड यहां पर आ जाएगा सर्च फॉर एन इमेज। तो यहां पर आपको सर्च क्या करना है, जैसे मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं कोई आपको फोटो सर्च करना है, तो यहां पर जैसे मैं सर्च कर लेता हूं इंडियन यंग मैन, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंड यहाँ सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे इंडियन जो मैन है यंग मैन उसका फोटो बहुत सारा चला आएगा। तो यहाँ से आप कोई भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, जो राइट साइड में आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, एंड जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए डाउनलोडिंग यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर फाइल डाउनलोडेड हो गया है। एंड अब आपको क्या करना है, आपका तो फोटो डाउनलोड हो चुका है बट अब हमको AI जनरेटेड वाली वॉइस को लाना है, तो उसको कैसे आप ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, मैं आपको अब आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई जो हमने टेक्स्ट बनाया है उसको कोई रिपीट करे, तो आप वहां पर जाकर टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर पहले से भी आप कोई टेक्स्ट लिखे हो तो उसको आप कॉपी करके वहां पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर एक गूगल से एक मोटिवेशनल स्पीच डाउनलोड किया हूं, मतलब डाउनलोड मंगाया हूं, उसको मैं कॉपी करके एंड वहां पर पेस्ट करूंगा। इसलिए मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं, एंड ओपन करने के बाद यहां पर हमारा हम यहां पर एक लिख लेते हैं मोटिवेशनल, यहां पर देखिए मोटिवेशनल कोट इन हिंदी, यहां पर मैं लिख लेता हूं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए आप ही के सामने मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, एंड कॉपी करने के बाद वहां पर मैं आपको बताता हूं कि अब आपको क्या सर्च करना है जिससे AI वाली वॉइस जनरेट होगी। तो यहां फिर से आपको गूगल पे आना है। देखिए गूगल पर आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है 11 लैब्स, आपको 11 लैब्स सर्च करना है। देखिए यहां पर ऐसा ही जो 11 लैब्स है आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप 11 लैब्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहां से आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड फ्री पे आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप गेट स्टार्टेड फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको साइन अप करना होगा तभी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए साइन अप करने के लिए यहाँ पर आपको साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है, एंड साइन इन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, एंड यहाँ पर आपको गूगल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके फोन में जितने यहाँ पर ईमेल होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और उससे आप कोई भी जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस जीमेल से लॉगिन कर लेता हूँ, एंड इस जीमेल से देखिए मैं क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको देख रहा है टाइप और पेस्ट टेक्स्ट, यहाँ पर आप अपने चाहते हैं कि हम कुछ नया अपने माइंड से सोच कर लिखें तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई कॉपी किया है तो उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर टाइप करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको एक सेटिंग दिखेगी। तो आप इस सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर वॉइस आ जाएंगे, जो कि आप किसी को वॉइस यहाँ पर कोई भी वॉइस यहाँ पर जितना है उसको आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले वाले पर क्लिक कर देता हूँ जो एडम है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ एकदम वर्केड है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो टेक्स्ट है ये पूरा जो हमारा टेक्स्ट है ये पूरा एकदम से बराबर ये रीड कर रहा है AI जनरेटेड वॉइस, पूरा हमारा यहाँ पर मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने वॉइस को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ आपको नीचे में ही आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये फाइल है ये डाउनलोड हो चुका है आपके फाइल मैनेजर में। एंड अब आपको क्या करना है कि जो अब AI वीडियो पर आपको ये वॉइस को लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से गूगल पे ही आना है, आपको बैक कर लेना है, बैक करके फिर से आपको गूगल पे ही आना है। एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, ये आपको सर्च करना है DIDAI, आपको DIDAI पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं सर्च कर लेता हूँ, एंड DIDAI सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड इसको पहले आपको चेक करना है कि क्या ये डेस्कटॉप साइड में है या फिर नहीं है। अगर ये डेस्कटॉप साइड में होगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो इसको आप डेस्कटॉप साइड में कर लेना। एंड यहाँ हमारा डेस्कटॉप साइड में है, जिसको हम थोड़ा सा बैक आते हैं, एंड नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप पहले पोस्टर देख लो, इसी के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट फ्री AI वीडियोज, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, हमको फ्री क्रिएट
कंटेंट बनाना है ना, क्रिएट करना है एक AI वीडियोज को, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। एंड क्रिएट करने के बाद फिर से आपको देखिए यहाँ पर आप साइन अप कर लेना, यहाँ पर देखिए फिर से आप उसी ईमेल को यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दूसरा को भी लॉगिन कर सकते हैं, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर साइन अप करके। तो यहाँ पर आप देखिए आपको क्या करना है, साइन अप आपने कर लिया, ये मेरे में साइन अप है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए क्रिएट वीडियो का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो क्रिएट वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्रिएट वीडियो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड आएगा, तो ऐड पर आपको क्लिक कर लेना है और जो आपका फोटो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कि अभी आप डाउनलोड किए हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक फोटो का डाउनलोड किया था, अब उसी को यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये वाला हमने फोटो का अभी डाउनलोड किया था तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये फोटो थोड़ा अपलोड हो रहा है यहाँ पे, एंड अपलोड होने के बाद देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेता है। अपलोडिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो यहाँ पर पूरा अपलोड हो रहा है, एंड हो गया अब हमारा फोटो अपलोड। फिर से आपको थोड़ा सा अपने फिंगर से ऐसे जूम करना है, एंड जहाँ ये स्क्रिप्ट लिख रहा है ना, तो चाहे तो आप यहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं और जो हमारा वीडियो है वो बोलने लगेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर जो अपने वॉइस को डाउनलोड किया हूँ अब उसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बगल में आना है एंड अपलोड वाले पर आकर यहाँ पर अपलोड योर ऑन वॉइस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइल मैनेजर आ जाएगा और उस फाइल मैनेजर में आपके जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके फोन में वॉइस होंगे वो यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपने वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा वॉइस है देखिए, तो इस वॉइस को मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पर अब अपलोड होने लगा। तो देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेता है क्योंकि अपलोडिंग के टाइम, एंड हमारा पूरा इसमें जो फोटो है और जो हमारा वॉइस है वो यहाँ पर पूरा आ गया है। अब आपको सिंपल से क्या करना है, ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा जनरेट वीडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जनरेट यहाँ पर फिर से एक बार आपको क्लिक करना है जनरेट पर, तो अब आपका यहाँ पर फोटो और वीडियो मैचिंग होने लगेगा, जनरेट होने लगेगा आपका वीडियो। देखिए यहाँ पर थोड़ा जनरेट हो रहा है हमारा वीडियो यहाँ पर लोडिंग लेकर, अब यहाँ पर हमारा पूरा जो वीडियो है वो जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों अपने वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा डाउनलोड अगेन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये वीडियो अब डाउनलोड हो चुका है। मैं अब आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर में जाके कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है सुनने में। तो देखिए हम अपने वीडियो में चले जाते हैं एंड यहाँ से हम इस वीडियो को प्ले करके आपको सुनाते हैं। हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं, जिसको जो कहना है कहने दो। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से मैंने अपने फोन का इस्तेमाल करके और कॉपी पेस्ट करके एक AI जनरेटेड वीडियो को बनाया है। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे ऐसा ही वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड